करेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स। प्लीज डू। करो करो क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा है। मैक्सिमा मिनिमा का जो रूटीन प्रोसेस होता है वो तो है ही। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट में उलझाएंगे, जैसे यहाँ उलझा दिया, उलझ तो गए आप। पहली क्लास याद करिए, वेरी फर्स्ट क्लास, रूट्स ऑफ यूनिटी वाला बताया था आपको, कॉन्सेप्ट कराया है, डिमोवर्स थ्योरम वगैरह, बिना उसके कैसे करोगे भाई? अब जिसको इक्वेशन नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकल रहे, वो आगे कैसे बढ़ेगा? आस्क योर सर। आइए जरा यहाँ पहले इस पे काम करते हैं एवरीवन। भाई देखो, ध्यान दो जरा। 3x2, ठीक है, व्हाट इज fy? 3y2 + यही आ रहा है। तो जब ये 0 से इक्वेट करेंगे तो बिना सिर पैर की चीजें दिख रही हैं, तो y = -x2 फ्रॉम हियर एंड x = -y2 फ्रॉम हियर, एक दूसरे में डाल दीजिए, और क्या करेंगे? व्हाट मोर कैन वी डू? ये ओके। वही जरा ध्यान लगाएंगे, अलजेब्रा आपको क्या सिखाता है? ये इसी में उलझाते हैं। क्या सिखाता है? या तो पहला 0 हो गया, दूसरा 0 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज इधर y0 और y³ - 1। अभी याद कर सकते हैं आप शुरू की क्लासेस। भैया यहाँ ज्यादा टाइम नहीं है, कभी भी आपके पास थर्ड डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है, इतना तो तुमने पढ़ ही लिया। थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, बाकी दो मारो गोली कॉम्प्लेक्स है या नहीं, वो तो देख के पता लग ही जाएगा। क्यूबिक तो सॉल्व कर रहे हैं, एक रूट तो रियल है ही, और अगर ज्यादा हो तो भाई इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं डिमोवर्स थ्योरम से, अगर याद हो तो। थोड़ा सा बता देते हैं आपको, दिस इज कॉस, है ना, ये ऐसे करके शुरू में करवाया था, तब तो आपने रिस्पेक्ट किया नहीं उसका, तब तो आपको लग रहा था पता नहीं क्या है। अब देख लीजिए क्या है। सो x = sys 2k + 1 π/3। k कहाँ से खाता ग्रहण करेगा? जितना डिग्री है उतना ही लेके दो, तो जब k का वैल्यू 0 है तो पहला आएगा आपका π/3, अगला आएगा आपका सेस, यस 3π/3, दैट इज पाई, है ना, और अगला आएगा आपका सेस 5π/3। बट ठीक है, इसमें से ये कॉम्प्लेक्स आएगा बिकॉज आयोटा प्रेजेंट है उसमें, ये भी कॉम्प्लेक्स आएगा, आप कहेंगे आयोटा यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई तो 0 होते हैं, तो ये कॉस पाई, व्हाट इज कॉस पाई? तो खाली यही रियल नंबर है, मतलब यही, दिस इज द ओनली रियल रूट, समझ में आ गया? उसकी बेसिकली ये वाला सॉल्व करने पे आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी, 3 में से सिर्फ एक ही रियल है, उस रियल का नाम क्या है? -1, यू कैन सी। अब आई डोंट नो आपने क्या गुल खिलाए हैं, गुल तो खेलेगा ही खेलेगा भाई। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दिस इज द ओनली रियल रूट ऑफ दिस क्यूब, ओनली रियल रूट ऑफ दिस क्यूब। अच्छा, अगर वाई 0 है तो जरा यहाँ से बताइए एक्स कितना है, और अगर वाई -1 है तो -1। भाई क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, खत्म। अब बताओ, आप बना बनाओ पूरा चार्ट। अब आप क्या, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 0 0 एंड -1 -1, AC - B² करिए। ये इस जगह उलझाएगा जरूर आपको एग्जाम में, बिल्कुल 100%। इट्स जस्ट लाइक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, प्रोसेस तो सबको पता है, बट वो बीच में अल्फाबेट डाल के ना ऐसे तैसे कर देता है क्वेश्चन में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
यहाँ के पॉइंट्स हैं आपके 0 0 है, नेक्स्ट पॉइंट इज -1 -1। हाँ जी, एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है 6x, एक्स का वाई में इज 3, वाई का वाई में 6y। आइए जरा वैल्यूज पे बात करें, 0 0, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज -6, दिस इज 3, दिस इज -6। एंड ए सी माइनस बी स्क्वायर इज नेगेटिव, सेटल पॉइंट, आपका भी सेटल आया। एंड यहाँ ए सी माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, इसके साथ साथ ए नेगेटिव है, लोकल मैक्सिमम एट -1 -1, लोकल मैक्सिमा एट -1 -1। आप लोगों का भी आ गया सैडल एंड लोकल मैक्सिमा, ग्रेट।